नमस्कार दोस्तों, हुन साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए क्रियात्मक विकास ले आई हूँ, जो बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक विकास पाए जाते हैं, यह मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको शैशवावस्था के क्रियात्मक विकास बता चुकी हूँ, और उसके पहले मैं रिफ्लेक्सेस जो एक्शन होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है न्यूबॉर्न बेबी की, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बाल्यावस्था में क्या क्या क्रियात्मक विकास होते हैं। तो देखते हैं, पहले हमने यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया, अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं। देखिए, यहाँ पर इस क्रियात्मक विकास के यहाँ बताने का कुछ नहीं आता, आप खुद ही रह सकते हो, लेकिन यहाँ आपको ये चीज हमें बताना है कि किस अवस्था में कौन सी चीजों का विकास होता है, जहां से आपके क्वेश्चन उठते हैं। जैसे हाथों के कैसुलों का विकास कब होता है, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेंसी, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आपने पढ़ा होगा तभी आप बताओगे, हाथों से संबंधी जो कुशलता आ जाती है, कौशल का जो विकास हो जाता है वो किस में होता है, वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर बताने का उद्देश्य यही पर है, यही है कि जो है किस एज में क्या चीज़ मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चों में, ये आपको पता चल जाए। तो देखते हैं, हाथों की कौशलता का विकास जो हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड में, इसमें क्या होता है, सबसे पहले बड़ी मांसपेशियों का नियंत्रण होता है, उसके बाद छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण होता है। बड़ी मांसपेशी हमने आपको बताया था विकास के सिद्धांत में, पहले हमारे जो भुजा होती है उस पर नियंत्रण होता है, उसके बाद हमारी उंगलियों पर नियंत्रण होता है। यानी अगर हमें यदि बच्चे को बॉल दिया जाता है तो अपने उसका उंगलियों पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो बॉल को पकड़ नहीं सकता है, बल्कि केवल उसको टच ही कर सकता है, लेकिन उसकी उंगलियों से उसको पकड़ नहीं कर सकता। यानी उसकी मांसपेशियों पर, यानी जो बाजुए हैं उन पर तो नियंत्रण है, लेकिन उसकी उंगलियों पर अभी उसका नियंत्रण नहीं है, यानी उस पर परिपक्वता नहीं आई है। तो कहने का मतलब, हाथों के कौशलों का विकास हमारा अर्ली चाइल्डहुड में हो जाता है, और इसमें पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास, उसके बाद छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। और इसमें जो बड़ी छोटी मांसपेशियों, जैसे पेंसिल से उसी काम को करना, हाथों में पकड़ के चलना, मतलब हाथों में पकड़ करके उससे काम करना, ये सब ये जो होते हैं हाथों से संबंधित काम होते हैं। दूसरा है स्वयं भोजन ग्रहण करना। देखिए, इसमें बच्चे क्या होता है, स्वयं भोजन ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे लगभग 6 माह का बालक को यदि निप्पल उसका या दूध पकड़ा दिया जाता है तो अपने आप से उसको पी सकता है, और 8 माह का बच्चा है वो यदि उसको दूध पकड़ाया जाए, उसको लगा दिया जाए उस निप्पल को, तो वो आसानी से पकड़ करके अपने खुद से वो पी सकता है। लेकिन 1 साल का बच्चा है वो खुद निप्पल को उठा करके और तब अपने मुँह में लगा करके वो पी सकता है। तो ये स्वयं भोजन ग्रहण करने की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, अर्ली चाइल्डहुड में होती है। ये आप करना कि स्वयं भोजन करने का जो उद्देश्य, स्वयं भोजन ग्रहण करने कब शुरू होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड में। अब आते हैं लिखना। देखिए दोस्तों, लिखने में यानी जो हमारे फाइन मोटर स्किल्स है, फाइन का मतलब इसमें हमारे महीन कार्य होते हैं, यानी इसमें बच्चा पेंसिल चलाना, पेंट करना, कोई चीज़ को ब्लॉक बनाना, इस तरह से क्रियाएँ करता है। तो ये लिखने में यहाँ पर 1 वर्ष तक का जो बालक होता है वो पेंसिल को हथेलियों के द्वारा या उंगलियों के द्वारा पकड़ करके कॉपी पर चलाता है, बनाता है कुछ, तो उससे क्या वो क्या है, एक मतलब लिखने की जो शुरुआत हो जाती है वो अर्ली चाइल्डहुड में होती है। अब आते हैं गेंद फेंकना। 2 वर्ष का बालक जो होता है खुद से जो है गेंद को लेकर के उसको फेंक सकता है और उसको जो है एक हाथ से पकड़ सकता है, तो यानी गेंद फेंकना जो है 2 वर्ष में आ जाता है। अब पैरों के कौशल, 18 माह के बाद जो है पैरों की जो क्रियात्मक विकास हो जाती है, यानी 18 माह के बाद बच्चा अपने पैरों से किसी चीज़ को मारना, कोई चीज़ से पटकना, इस तरह से क्रियाएं जो होती हैं वो कर सकता है। अब चढ़ना दौड़ना, यानी इसके बाद धीरे धीरे वो चढ़ने लगता है, क्रीपिंग क्रॉलिंग, और इसके सहारे से, यानी देखिए इसमें क्या है, सहारे से भी चढ़ने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे खुद से चढ़ने उतरने लगता है, और इसमें ती पहिया साइकिल, ये भी क्वेश्चन आप कर सकता है, ती पहिया साइकिल जिसमें 3 पहिए होते हैं, वो साइकिल जो है बच्चा कब चला पाता है, कब उसकी शुरुआत करता है, तो वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से उठ गया, लिखने की शुरुआत, स्वयं भोजन ग्रहण करना और हाथों के कौशलों का विकास, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से इसका खुद ही आप वन लाइनर में क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब आते हैं मोटर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। यहाँ तो अर्ली चाइल्डहुड था, यानी पहले ही था, अब आता आपका चाइल्डहुड यानी बचपना,
अवस्था है, बाल्य अवस्था। अब इसमें क्या है, आपका एनसीईआरटी ने मतलब कि के शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस अध्ययन किया भारत के बच्चों पर, लड़के और लड़कियों पर इसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद यहाँ पर उसको खोज मतलब सर्च किया, और सर्च करने के बाद यहाँ पर ये रिजल्ट निकाला, जिसके माध्यम से ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब इसमें क्या है, बॉल प्ले, यानी बच्चा गेंदों से खेलता है। गेंदों से खेलने की शुरुआत वो 2.5 से 3.5 वर्ष में वो बच्चा जो है खेलने लगता है गेंदों से, उससे किक करता है यानी मारता है, फेंकता है, इस तरह से क्रिया यानी किकिंग द बॉल, यानी बॉल को क्या करता है, किक करने का काम करता है, पैरों से मारने के काम करता है। कैचिंग अ बॉल, यानी बॉल को अगर कोई दे रहा हो उसको हाथ में वो कैच करता है, पूरी कॉन्फिडेंस से नहीं कि कोई बड़े बच्चे की तरह इस तरह कैच करे, वो क्षमता नहीं आती, लेकिन वो पकड़ सकता है उठा करके, यानी उसको कोई दे तो उठा करके उसको कैच कर सकता है, यानी किकिंग द बॉल, कैचिंग अ बॉल, ये सारी क्रियाएं 2.5 से 3.5 वर्ष में बच्चे में आ जाती है। अब आते हैं, अब हमारा स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, अभी तक था कि इसमें बच्चा बॉल को खेलता है बॉल के साथ, अब आता है स्टैंडिंग एंड वॉकिंग रनिंग, यानी इसमें खड़े होते हैं, चलता है, दौड़ता है, ये भी जो एज होती है वो 2.5 से 3.5 वर्ष 4 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, लगभग किसी किसी ऐसी कुछ क्रियाएं होती है जो 5 वर्ष तक जो है पूरी हो पाती है। इसमें क्या है, स्टैंडिंग में बच्चा खड़ा होता है तो उसे 3 वर्ष में अच्छे से खड़ा होता है, चल लेता है, और उसके बाद है स्टैंडिंग विथ फीट क्रॉस्ड, कभी कभी क्या होता है बच्चा जो है क्रॉस के रूप में यानी पैरों को इस तरह से क्रॉस में करके जो है खड़ा होता है, और ये लगभग 2.5 से 4.5 वर्ष यानी 2.5 से 4.5 वर्ष तक जो होता है तब इसमें परिपक्वता आ पाती है, यानी स्टैंडिंग विथ फीट क्रॉस यानी पैरों को क्रॉस वाइज करके खड़े होना। अब है वॉकिंग ऑन बोर्ड, यानी बोर्ड पर चलना, सीधी लाइन में चलना, और पानी को लेकर के चलना, ये सारी क्रियाएं बच्चा बाल्यावस्था में करता है, और धीरे धीरे जब पर जैसे परिपक्वता आती जाती है वैसे वैसे उस चीज में कुशल या निपुण हो जाता है। अब आते हैं, ये आप याद कर लेना, स्टैंडिंग स्टैंडिंग मतलब बोर्ड से चलना, सीधी लाइन में चलना, और उसके साथ पानी को लेकर के चलना। अब आते हैं कम्बिंग, क्लाइंबिंग, स्कीपिंग, हॉपिंग एंड जंपिंग। देखिए स्कीपिंग का मतलब होता है रस्सी कूदना, और हॉपिंग का मतलब होता है उछलना, और जंपिंग कूदना, पता ये मतलब इससे एज में जो होता है इसमें बच्चा कूदता है रस्सी से भी, उछलने की कोशिश करता है, जंप करता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी खुद से सीढ़ियों पर जाना फिर सीढ़ियों से आना, पहले पहले परिपक्वता नहीं आई रहती है तो वो गिर जाता है, तो उसमें एक माँ की देख रेख होती है उसमें कि बच्चा चढ़ उतर रहा है तो उसको ध्यान में रखे, तो यानी उसमें इस अवस्था में क्या होता है बच्चा सीधे मतलब सीधे ऊपर की तरफ जाता है फिर डिसेंडिंग यानी नीचे की तरफ आता है, स्कीपिंग यानी रस्सी भी कूदने थोड़ा बहुत लगता है। अब आता है हैंड स्किल, यानी हाथों पर कौशल या हाथों का कौशल, इसमें क्या होता है थ्रेडिंग हेड्स, हेड्स का मतलब होता है इसमें बच्चा जो है मोती पिराने के योग्य हो जाता है, यानी उसमें मोती को दे दिया जाए तो उसको पकड़ करके वो उसमें डालने की कोशिश करता है, धीरे धीरे उसके हाथों में भी कुशलता आने लगती है। कटिंग यानी जो काटने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आपके लिए क्वेश्चन मैंने दिया है, ये आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से रिफ्लैक्स एक्शन, कौन कौन से रिफ्लैक्स एक्शन जो 2 महीने में 2 महीनों तक बच्चों में पाई जाती है और उसके बाद वो डिसअपीयर यानी गायब हो जाती है फिर वो नहीं रहती है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। इसके पहले मैं आपकी वीडियो में बता चुकी हूँ कि रिफ्लैक्स एक्शन कौन कौन से होते हैं, तो रिफ्लैक्स एक्शन जो 2 महीने तक ही रहते हैं उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं उनके नाम जो है आपको लिखना है, यह हमें आप कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसमें हमने जहाँ जहाँ पर टिक किया है उससे संबंधित आप क्वेश्चन अवश्य बना लीजिएगा, और इसके बाद जब आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा सारे तब मैं इसमें जैसे हमने मैनेजमेंट का टॉपिक बनाया क्वेश्चन वैसे ये भी मैं ले करके आऊँगी, तो अभी आप खुद से ही बनाइए और इससे प्रैक्टिस धीरे धीरे कर रहे होंगे सारे क्वेश्चन आप खुद ही याद होंगे। कहते हैं कि जो क्वेश्चन आप खुद याद मतलब लिख तो लिया लेकिन उससे खुद आपने आंसर उसका क्वेश्चन से आंसर बना लिया तो सबसे बेस्ट मेथड है, इससे आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, तो ये जरूर आप फॉलो करिएगा। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और मेरी वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों के बीच में इसको इस तरह से अवेयर करिए जिससे लोग इससे इससे लाभान्वित हो, और इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ मिल सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।